हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम वर्ड पावर मेडिजी की बात करेंगे और मैं हैंड्स ऑन करके बताऊंगा कि आपको मैंने कैसे वर्ड पावर मेडिजी की पढ़ाई करी थी। और एक टाइम था जब मुझे कॉलेज टाइम में बिल्कुल वर्ड्स नहीं आते थे, वोकैबुलरी मेरी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी बिकॉज ऑफ हिंदी मीडियम। और आज मेरी वोकैब इतनी रोबस्ट है कि आप कुछ भी मुझे अगर पूछोगे वोकैबुलरी का, तो शायद ही कोई वर्ड होगा जो मैं मिस करता हूँ। तो उसका जो फाउंडेशन बना था, मतलब जो सबसे पहली बुक है, वो वर्ड पावर मेडिजी है। उसके बाद आपको धीरे धीरे वोकैब की पकड़ आने स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बुक के कुछ बेनिफिट्स हैं जो टॉप नॉच बेनिफिट है, जो कोई और बुक प्रोवाइड नहीं करती। जैसे कम टाइम में आपको ज़्यादा वोकेबलरी तैयार करके देगी, बहुत ही मिनिमम टाइम में, ये छोटी सी बुक है, और बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छी वोकेबलरी की कमांड देगी। और इसके जो मतलब जो बुक का पढ़ाने का तरीका है, स्टोरी टेलिंग से आपको वर्ड्स के यूजेस बताता है और कैसे इनको याद कर सकते हैं आप, उनके रूट वर्ड, उनकी प्रोनंसिएशन से लेके हर चीज़, ये यूजेस सब कुछ इसमें अच्छे से बताया हुआ है। तो आपको इजीली एक ही रूट वर्ड के मल्टीपल जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं तो उन सबको ये याद करवाएगा। इस बुक का एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि ये कंप्लीट इंग्लिश में है, जैसे फॉरेन ऑथर ने इसे लिखा है, तो इसलिए आपको ये इसमें हिंदी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो बिगिनर जो अगर इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ये दिक्कत आता है कि हिंदी नहीं है इसमें, तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा, या तो जैसे डिक्शनरी है वैसे डिक्शनरी लेके बैठे, या अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन होता है डिक्शनरी का, वो ओपन करके रखें, जिससे आपको कहीं पर भी, जैसे इसके वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग बताएगा ये, उसके अलावा भी कई सारे वर्ड्स होंगे जो आपको कहीं ना कहीं नहीं आते होंगे, जो वो स्टोरी बता रहा होगा, थ्योरी जो होगी उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो उनके आप मीनिंग डिक्शनरी में देख लो या अपने मोबाइल में देख लो, उनको आप चाहे तो अपने नोटबुक में उतार सकते हो, लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। इस बुक में टोटल 47 सेशन है, आपको इसको आराम से करना है। ये बुक का सबसे जो पर्पज़, जो बेस्ट पर्पज़ आप यूटिलाइजेशन होता है, वो ये है कि इस बुक को आप आराम से करना है। जैसे 47 सेशन है इसमें टोटल, तो आपको मिनिमम 2 या 3 मंथ्स इस बुक में लगाने। कई सारे बुक्स होते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, बट इस बुक को आपको जल्दी फिनिश नहीं करना है। जैसे इसमें 47 सेशन है टोटल, यहाँ तक देखोगे 47, तो इसको आपको आराम से करना है। और इनफैक्ट इस राइटर ने भी ये बोला हुआ है कि ये एक दिन में एक सेशन करना है, और उसमें बेनिफिशियल होता है क्योंकि हर सेशन में आपको कम से कम 15-20 वोकैब ये बताएगा मिनिमम। तो आप अगर उस 4-5 सेशन एक दिन में कर दोगे तो मतलब अराउंड 60-70 वर्ड्स आप एक दिन में रिमेम्बर नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ बेटर टू डू 1 सेशन पर डे। एंड इसके बाद में एक दो चीज़ और है, जैसे आप नोटबुक लेके बैठो, उसको कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ। अभी इस बुक में मैं खुद पढ़ के बताऊँगा आपको एक सेशन की, कैसे क्विकली आप 15-20 मिनट में एक सेशन को ख़त्म कर सकते हैं, और उसको, और मैंने कैसे पढ़ाई करी, क्या मेरा इसका मेथड था, इस बुक में पढ़ाऊंगा। यही बुक है मेरी, यही पढ़ी हुई है मेरी, तो आपको दिखेगा आगे अभी। और इस बुक के स्टार्टिंग में आपको जैसे ये दिया हुआ है, इसकी इंडेक्स है, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप पढ़ लेना। अगर आप बहुत ही बिल्कुल से स्टार्ट कर रहे हो तो ये पढ़ लो कि इसमें ऑथर ने भी बताया हुआ कि इस बुक को आप मैक्सिमम कैसे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सेशन पे लेके चलता हूँ आपको। इसमें ये वोकेबलरी टेस्टिंग का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको आपकी अभी करंट वोकैब कितनी है। अगर आपकी बहुत ही बिलो बेसिक है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डीमोटिवेटिंग हो जाएगा आपके लिए। हम बात करते हैं अब डायरेक्ट सेशन 1 पे आ गया मैं। अब मैं आपको मेरी टेक्निक आपको बताता हूँ, सेशन 1 से स्टार्ट करता हूँ, बस सिर्फ एक चैप्टर आपको ये पढ़ के बताता हूँ कि कैसे आपको क्विकली चीज़ों को फिनिश करना है, कैसे आपको रिवाइज करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको लेके चलनी है पढ़ते टाइम साथ में, और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है मैं इस सेशन में बता दूंगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट डे आप जब आओगे, जो सेकंड सेशन करोगे, तो उसमें आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट सेशन को थोड़ा रिविज़न देना है, 5-10 मिनट आपको देना है। रिविज़न सबसे हार्ड पार्ट होता है, हमको लगता है कि यार रिविज़न थोड़ा बोरिंग है, मतलब नहीं करते हैं, याद है मुझे, क्योंकि रिवीजन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेशन 1 की बात करूं तो इसमें जैसे देखोगे आप अराउंड 10 वर्ड्स दे रखे हैं, 10 टोटल इसके वर्ड्स हैं। इसमें कितने वर्ड निकलेंगे ये तो मैं अभी बताता हूं आपको। तो इसमें टाइप्स ऑफ पर्सन के बारे में बताया हुआ है, जैसे मी फर्स्ट है, तो आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो ये इगोइस्ट आएगा, है ना। और इस थ्योरी में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अब ये थ्योरी पढ़ोगे तो ऐसे वर्ड आएंगे जैसे रूथलेस है, और यहाँ मोनोटोनस आ गया, ऐसे कई सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो उनको आपको पेंसिल से अंडरलाइन करते चलना है। जैसे ईगोइस्ट आ गया, इसके बाद ईगोटिस्ट आ गया, इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है। जैसे इसके बाद अल्ट्रुइस्ट आ गया, जैसे लेट मी हेल्प यू, ये पूरा आपको पढ़ना है। इससे पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में रियल लाइफ में अल्ट्रुइस्ट होता कौन है, उसने अपनी रियल लाइफ
के बेस पे आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन बेस समझाई होती है, जैसे लीव मी अलोन, इंट्रोवर्ट की ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहता। तो आप इसको एक बार पढ़ोगे ना, उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेगी और सिचुएशनल यूज कैसे होता है इंट्रोवर्ट का वो भी आपको पता चलेगा। उसके बाद एक्सट्रोवर्ट है, एम्बिवर्ट है, एक्सोगेमिस्ट है, एसेटिक है, ये 10 वर्ड टोटल इसमें हो गए। अब ये देखोगे ना आप, ये जब थ्योरी इसकी पढ़ोगे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे वाले वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ज़रूरी है आप इनको साथ लेके चलो। इनको आप किसी डिक्शनरी में सर्च कर लो, ये थोड़ा सा हेवी टास्क हो जाता है, इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन या लैपटॉप में जो डिक्शनरी के ऐप्स होते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको इंस्टेंटली आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, ये सबसे पहले तो आप एक प्रोनाउंसिएशन का है यहाँ पे, यह आपको करना है। आपको अगर अपनी प्रोनाउंस करने की कैपेबिलिटी भी अच्छी करनी है तो ये आप कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आजकल अपनी डेली लाइफ में भी इंग्लिश का यूज़ है तो आप ये ज़रूर करें। उसके बाद ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। इनको कैसे करना है ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आंसर होता है, इन आंसर्स को ढकना होता है किसी चीज़ से, जैसे मैं उठाऊँ ये मार्कर यहाँ से ढक दिया, क्योंकि इसके बाद जो आपने पढ़ा है उसकी टेस्टिंग होनी है तो आपको ये ढक के रखना है। अब मैं यहाँ पे क्या करना है, नोटबुक में आपको जैसे 1 से 10 है ना, तो 1 to 10 आपको यहाँ पे लिख लेना है, गिनती लिख लेनी है, नंबरिंग कर लेनी है 1 to 10। अब यहाँ पर ही आपको आंसर लिखना है, उसके बाद आपको मैच कराना है। अब फर्स्ट वन है ईगोइस्ट, अब आपने क्या पढ़ा है उस हिसाब से आपको आंसर देखना है। जैसे इसमें बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट देख मैंने देख लिया, ईगोटिस्ट हो गया, अगर नहीं आता है आप स्किप कर दो। उसके बाद अल्ट्रुइस्ट, अब जो भी है वैसे आपको यहाँ पे आंसर करते रहना है। अल्ट्रुइस्ट जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, उनकी वेलफेयर के बारे में सोचता है। उसके बाद मुझे सेकंड नहीं आता, मैंने स्किप कर दिया। थर्ड अल्ट्रुइस्ट में ऐप भर दिया, ऐसे कर करके आपको पूरे 10 के 10 भर देना है और फिर आपको यहाँ पे मैच करवाना है। ये मैच में कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, जो गलत होते हैं उनको आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। और जब ये रिविज़न हो जाए, जैसे इनमें से कौन सा गलत हुआ है, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आना, इसको ऐसे ढक लेना यस नो और वहाँ पे आंसर मैच करवा लेना। जैसे इज ईगोइस्ट सेल्फिश, यस या नो, इसमें से आंसर आपका कौन सा है, यस तो यस, इनको ढक लेना है और आंसर मार्क करते जाना है। ये तीसरी एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसके 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी होगी, मतलब आपकी प्रैक्टिस जो हो रही है, आपको जो पुरानी चीज़ें आपने याद रखी है वो अच्छे से याद हुई है नहीं, ये इसकी प्रैक्टिस होगी। प्लस आपकी स्पेलिंग करेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको लिखना पड़ता है कि जो वर्ड आपने याद किया है उसका हिंट दे दिया उसने, ए दे दिया, बट पूरा वर्ड क्या था यह आपको खुद लिखना पड़ेगा। इसकी करना क्या है, आपको फिर से वही नंबरिंग कर लेनी है और उस नंबरिंग के बाद आपको जो आंसर दे रखा है उस पर मार्कर या कुछ स्केल रख देना है ताकि उसे दिखे नहीं आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, आंसर की हिंट दे रखी है, यहाँ क्वेश्चन आपको पढ़ना है, हु लिव्स लोनली लाइफ, फिर उसके बाद आपको खुद यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है, ऐसे टिक, ऐसे करना है, हु इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड एक्सट्रोवर्ट। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्पेलिंग यहाँ पे लिख दी, इनको जब आंसर मैच कराओगे तो आपको स्पेलिंग मैच करवानी है प्लस आपका आंसर भी मैच करवाना है। हो सकता है आपने आंसर भी गलत दिया हो, बट स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इसलिए थर्ड एक्सरसाइज आपकी स्पेलिंग करेक्शन पे फोकस है। जो भी वर्ड आपका गलत हो रहा है उसको फिर से आपको अच्छे से रिवाइज करना है, आपको मार्क कर लेना है उस वर्ड को कहीं पे, या इन्हीं में से कहीं पे इंपॉर्टेंट आपको दे देना है, जैसे कोई सा भी गलत हुआ क्वेश्चन तो उस पे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपका ध्यान वहाँ पे रहेगा। सेकंड जब रिवीजन आप करोगे, जैसे मैं सेकंड सेशन में गया तो नेक्स्ट डे आपको स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपको ये एक्सरसाइज कर लेनी है, और जो वर्ड जैसे मैंने सेकेंड पर यहाँ क्लिक टिक किया है और ये मतलब मेरा थोड़ा सा वीक वर्ड है तो उसकी आपको थ्योरी पढ़ लेनी है, ठीक है। पूरी थ्योरी आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज करोगे आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब सेकंड सेशन करोगे तो फर्स्ट की एक्सरसाइज करेंगे, थर्ड करोगे तो सेकंड की एक्सरसाइज करनी है, और जो वर्ड आपका वीक हुआ है इनमें से आपको याद नहीं हुआ उस दिन उसकी आपको थ्योरी भी पढ़नी है। इस वे आप अगर आपको 2 या 3 महीने आप दोगे तो आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। और बिलीव में ये बुक बहुत अच्छी है, इसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है मार्केट में अभी तक, आप इसे अच्छे से 2-3 महीने में कंप्लीट करो। इसके बाद आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा आएगा, नॉवल पढ़ने में मज़ा आएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बुक आपको पहले कंप्लीट करो। यही है इस वीडियो में, आपको लगता है कि कुछ मैंने मिस किया है इस वीडियो में, आपका कन्फ्यूजन है अभी भी, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें।